ब्रैकेट में डेटर्स और क्रेडिटर्स ब्रैकेट क्लोज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर गिवेन 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 एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एंड वी आर रिक्वायर टू फाइंड आउट नेट बैलेंस ऑफ दैट लेजर अकाउंट we are required to find out net balance of that ledger account we are required to find out net balance of that ledger account point number 3 some details of nominal transactions are given 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 and we are required to find out and we are required to find out and we are required to find out gross profit or net profit gross profit or net profit from those transactions gross profit or net profit from those transactions Gross profit or net profit from those transactions. Gross profit equals to. Gross profit equals to. Sale minus cost of sale. Gross profit equals to sale minus cost of sale. Cost of sale equals to. कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और प्रोडक्शन प्लस परचेजेस और प्रोडक्शन हम परचेज और प्रोडक्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अगर हम लोग का ट्रेडिंग बिजनेस खरीदते और बेचते हैं तो परचेज अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्शन इसलिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आएगा रॉ मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग नहीं नीचे लिख दीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल लेबर And manufacturing over its. And manufacturing over its. Manufacturing over its. Niche. Net profit equals to. Net profit equals to. Net profit equals to gross profit. Gross profit. Minus administration over its. माइनस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर इट्स माइनस सेलिंग ओवर इट्स माइनस सेलिंग ओवर इट्स प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर मतलब इंटरेस्ट माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में इंटरेस्ट माइनस फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में इंटरेस्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस टैक्सेस माइनस टैक्सेस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग को माइनस करेंगे अगर हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है डिविडेंड मिला बैंक में एफडी किया इंटरेस्ट मिला तो वो अदर इनकम हो गई फिर उसमें अगर हमने कहीं से लोन वगैरह लिया इंटरेस्ट माइनस करेंगे और जो टैक्स देना है वो माइनस करेंगे तो वो नेट प्रॉफिट बदल जाएगा तो हो सकता है सम में ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दोनों निकालने बोलेगा और चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट फाइंड आउट द टोटल ऑफ द बैलेंस सीट 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 दैट इज आइदर टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स That is either total of all the assets. That is either total of all the assets. Or total of capital and liabilities. Or total of capital and liabilities. Or total of capital and liabilities. यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना जरूरी है कि जब अपने पी एल बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो वैसे तो इंडिया में भी शेड्यूल सिक्स सुनिए नाम शेड्यूल सिक्स चेंज हो चुका है नया फॉर्मेट है उसके अनुसार बनाना पड़ता है लेकिन आई एफ आर एस तो पहले से ही चेंज है तो आई एफ आर एस का अपना प्रेजेंटेशन है कि अपने किस तरह से इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे किस तरह से बैलेंस शीट तो एक बार वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखते हैं बिकॉज उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं पूछता भी देखते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज पर आई एस वन आईएस का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज पर आई एस वन फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज पर आई एस वन तो सबसे पहले रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब हमने सेल लिख लिया रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो ये बन गया ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग ओवरड इन दोनों को माइनस करने से बना ऑपरेशनल इनकम ऑपरेशनल इनकम ऑपरेशनल इनकम मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन से उसको जो इनकम हुई जैसे मेरा ऑपरेशन है ट्यूशन पढ़ाना या क्लाइंट को एडवाइस देना तो उससे जो मेरे को इनकम होती वो है वो ऑपरेशनल इनकम है बैंक के का लिए ऑपरेशनल इनकम क्या, काम है? बैंक क्या करती है पैसा लेना और देना यानी कि बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम ऑपरेशनल इनकम है बिकॉज बैंक का काम ही यही है ना कि इंटरेस्ट पाना और इंटरेस्ट देना बिकॉज बैंक हम लोग को इंटरेस्ट देती है हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक जिसको लोन देती है उससे इंटरेस्ट लेती है तो बैंक का इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ऑपरेशनल इनकम है

एड इन्वेस्टमेंट इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब वो जो आप डेली नहीं करते हो मान लो मैं बोलूंगा साल में दो बार मैं कभी शेयर खरीदता बेचता भी हूं तो मेरे को जो शेयर खरीदने या बेचने से डिविडेंड मिला फायदा हुआ वो इन्वेस्टमेंट इनकम है जो आदमी जो डेली नहीं करता है साल में कभी करता है तो उसको अपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बोलते हैं मान लो मैंने कोई जगह खरीद के भाड़े पे लगा दिया रेंट मिल रहा है दैट इज माई इन्वेस्टमेंट इनकम ट इज नॉट माई बिजनेस हमारा ये काम नहीं है कि हम जगह भाड़े पर लेते देते रहते हैं दिस इज नॉट माई बिजनेस हमारे पास सरप्लस पैसे थे मैंने पैसे को एसेट्स में लगाया प्रॉपर्टी में भाड़े पर लगा दिया तो मेरे को वो इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है तो उसको हम लोग ऑपरेशनल इनकम के बाद में लिखते हैं माइनस फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट आपने लोन वगैरह लेके रखा है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो फाइनेंस कॉस्ट एडजस्ट करने से क्या आ गया प्रॉफिट फोर टैक्स टैक्स देने के पहले आपका प्रॉफिट क्या हुआ फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं टैक्स पेमेंट तो टैक्स पेमेंट लेस करने से आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स सॉरी बंद नहीं हुआ अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर भी बोलते हैं ज़्यादा लैंग्वेज यही बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर में हम लोग लिखते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट फॉर द ईयर के अंदर एडजस्टमेंट होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर नॉन रियलाइज नॉन रियलाइज गेन और लॉसेस नॉन रियलाइज गेन्स और लॉसेस नॉन रियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस को एडजस्ट करते इसमें मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा क्या होते हैं नेट में जो आता है उसको बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट में जो आता है उसको नाम देते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर क्या आता है उसको ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर में तब आता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहां तक पीएल अकाउंट चलते हैं इनकम स्टेटमेंट आई एफ आर एस आई एस वन के अंदर ऐसे है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर नॉन इज गेन्स और लॉसेस लिखते हैं तो वो जोड़ने से प्रॉफिट फॉर द ईयर के साथ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इनकम स्टेटमेंट तैयार होती है नॉन रियलाइज मतलब मान लो मेरे पास ये जगह है ये जगह को मैंने आज से पांच छह साल पहले मान लो वन सी में खरीदा था और अभी इस जगह का वैल्यू टू सी है तो वन सी वैल्यू बढ़ गया मेरे को बुक्स में वन सी बढ़ा के दिखाना है तो बुक्स में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को वन सी बढ़ा दिया टू सी हो गया यहां पर वो वन सी को इनकम दिखा देंगे क्या ये पैसा मेरे को मिला है क्या तो ये नॉन रियलाइज हुआ ना इसलिए उसको यहां दिखाते हैं मतलब जो आपको रियलाइज हो चुका वो ऊपर है जो आपको रियलाइज नहीं हुआ वो लॉस या गेन इधर आता है और फिर टोटल में बोलते हैं टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ठीक है नीचे लिख देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लाइक रीवैल्यूएशन ऑफ लाइक रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स लाइक रीवैल्युएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स लाइक रीवैल्युएशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स सपोज Suppose the property in an organization. 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 Having book value. Having book value 1 crore. Having book value 1 crore. Revalued to 1.5 crore. री वैल्यूड टू वन पॉइंट फाइव करोर हैविंग बुक वैल्यू वन करोर री वैल्यूड टू वन पॉइंट फाइव करोर सो द्रोर रीवैल्युएशन गेन सो द्रोर रीवैल्युएशन गेन सो द्वाइंट फाइव करोर रीवैल्युएशन गेन सो द्वाइंट फाइव करोर रीवैल्युएशन गेन विल बी ट्रीटेड एज अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इंट फाइव करोड रीवैल्युएशन गेन विल बी ट्रीटेड एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नीचे सो द इनकम स्टेटमेंट सो द इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सो द इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सो द इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स द इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट अ रियलाइज्ड गेन कौमा देकर अ रियलाइज्ड गेन अ रियलाइज गेन दट इज प्रॉफिट फॉर द इयर अ रियलाइज्ड गेन दैट इज प्रॉफिट फॉर द इयर रियलाइज्ड गेन दैट इज प्रॉफिट फॉर द इयर एंड नॉन रियलाइज्ड गेन एंड नॉन रियलाइज्ड गेन

इसको क्या बोलते हैं बैलेंस शीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ब्रैकेट में बैलेंस शीट सबसे पहले लिखते हैं एसेट्स एसेट्स में लिखा जाता है नॉन करेंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स माने क्या हुआ फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स में लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ध्यान देंगे तो एक लाइन के अंदर सारा फिक्सड एसेट्स आ गया प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मतलब आपके पास जो भी मशीनें वगैरह है और इक्विपमेंट के अंदर फर्नीचर लैपटॉप कंप्यूटर सब आ गया सारा एक साथ एक लाइन के अंदर सारा फिक्स एसेट्स हो गया लेकिन ये सब टेंजिबल है हम लोग इनको देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं लेकिन इनटेंजिबल भी होता है पेटेंट ट्रेड मार्क कॉपी वो अलग से लिखते हैं इनटेंजिबल्स इंटेंजिबल्स इंटेंजिबल्स और एक होता है इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल माने मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है लेकिन हम वो शेयर्स को अगर वन ईयर के अंदर बेचने का सोच के रखे हैं तो वो करेंट एसेट्स है लेकिन मैं सोचा हूं मैं उसको वन ईयर में सेल नहीं करूंगा दो चार साल पाँच साल बाद में बेचूंगा तो वो नॉन करेंट एसेट्स हो गया अब मान लो मैंने सोचा मैं दो चार साल पाँच साल बाद बेचूंगा लेकिन दो महीना बाद ही रिलायंस का दाम बहुत जोर बढ़ गया तो मैं सोचता अभी बेच अभी बेच देता हूं बेच दिया मैंने तो फिर तो मैंने नॉन करेंट एसेट्स गलती लिखा है क्या लिखना चाहिए था लेकिन ये हमको आज तो यही पता है ना कि हम इसको नॉन करेंट मान रहे हैं आदमी का थिंकिंग तो चेंज होता ही है ना प्रोसेस कोई चीज आप आज कुछ सोच रहे हैं कल आप कुछ सोच सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तब आपका क्या व्यू है उसके अनुसार ये जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट नॉन लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है शॉर्ट टर्म है तो करंट एसेट्स के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म है तो यहां आएगा दैट इज नॉन करंट एसेट्स के अंदर तीन ही चीजें आती फिर करंट एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स के बाद एसेट्स में करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स मतलब जो विद इन वन ईयर मेच्योर हो जाएगा जिसका पैसा जो भी मिलना है एक साल के अंदर आ जाएगा इसमें आता है इन्वेंट्री इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी गुड्स स्टोर एंड स्पेयर सभी तरह की इन्वेंट्री इन्वेंट्री के बाद रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स वगैरह जिनसे आपको पैसा मिलना है आपने सामान बेचा था क्रेडिट में पेमेंट अभी तक मिला नहीं है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का मतलब कैश और बैंक तो कैश है ही है मान लीजिए मेरे पास ऐसी सिक्योरिटी है ऐसी सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कोई नुकसान नहीं होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर मेरे पास है और वो विद इन थ्री मंथ्स पैसा उसके बदले आ जाएगा तो हम लोग उसको कैसे ही मानते हैं एनी सिक्योरिटी ऑन विच वैन यू सेल लॉस विल नॉट अराइज एंड हैविंग मेच्योरिटी मैक्सिमम थ्री मंथ्स इट इज ट्रीटेड एज कैश ओनली तो हम लोग उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं तो कैश बैंक बैलेंस तो कैश ही है ऐसा कोई सिक्योरिटी जिसको बेचने से नुकसान वगैरह नहीं होगा तीन महीना के अंदर पैसा आ जाएगा तो हम लोग उसको कैश इक्विवेलेंट कैश के अंदर ही डालते हैं सब में मैं अलग से लिखाऊंगा अभी एक बार पहले फॉर्मेट तो लिख लें और अदर रिसीवेबल्स अगर और कुछ भी है तो जो कि विद इन वन ईयर आपको मिल जाएगा अदर रिसीवेबल्स तो सबको मिला के आ जाएगा टोटल एसेट्स ये टोटल एसेट्स हो गया मतलब एसेट्स को दो पार्ट्स में बांट दिया गया नॉन करेंट और करेंट नॉन करंट के अंदर टेंजिबल इनटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल करंट के अंदर इन्वेंट्री रिसीवेबल्स कैश कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर एसेट्स, कुछ और हो तो फिर इसके बाद है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज चालू होएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहले इक्विटी बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि सेपरेट एंटिटी अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं और बिजनेस अलग अलग है तो मैंने जो पैसा बिजनेस को दिया बिजनेस के लिए वो क्या है मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो बिजनेस के लिए क्या है तो उसको तो इसके साथ ही लिखेंगे ना लेकिन सेंस वो किसी बाहर वाले को नहीं देना है खुद को ही मिलना है तो उसका नाम लिख देते हैं इक्विटी लेकिन है तो बिजनेस के लिए एक लाइवलिटी ना स्टे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम शेयर प्रीमियम क्या होता है जानते हैं शेयर अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए मान लीजिए शेयर दस रुपया फेस वैल्यू है फेस वैल्यू मतलब शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू दस रुपया लेकिन शेयर अगर इशू कर रहे हैं अंबानी टाटा बिल्डास तो वो लोग थोड़ी ना शेयर दस रुपये में देंगे वो तो फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड थाउजेंड ये सब दाम पे होगा तो जितना भी टेन के ऊपर होगा उतना को अपने क्या बोलते हैं प्रीमियम जिनका मार्केट में गुडविल है नाम है वो लोग अपना शेयर फेस वैल्यू पर नहीं देते पब्लिक उनका शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है बेसी दाम पर तो कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अपने बोलते हैं शेयर प्रीमियम

रिटेन्ड अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर तक जो प्रॉफिट फॉर द ईयर तक है वो इसके अंदर है और जो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम है वो रिवैल्युएशन रिजर्व के अंदर है पीएल अकाउंट में दोनों एक साथ दिखा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में लेकिन बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन अलग अलग है प्रॉफिट फॉर द इयर इज रिटेन अर्निंग्स एंड रीवैल्युएशन रिजर्व वगैरह कुछ है अदर कॉम्प्रीहसि वो रिवैल्युएशन रिजर्व के अंदर शेयर होल्डर का पैसा हो गया इक्विटी फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटी जो करंट नहीं है तो करेंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो हमें विदिन वन ईयर पे करना है जो बियॉन्ड वन ईयर पे करना है वो क्या हो गया मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया है टेन ईयर्स के लिए नॉन करेंट मार्केट में डिवेंचर इश्यू किया है ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स रिडीम होगा नॉन करेंट कोई भी जगह से पैसा मैंने लिया है जिसको मैं एक साल से ज्यादा देर में चुकाऊंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लाइब्रेटी तो नॉन करेंट लाइब्रेटी में लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइबिलिटी एंड अ प्रोविजन समझ लो मैंने किसी से वन लाख रुपीस का सामान खरीदा तो मैं उसको कितना पैसा दूंगा वन लाख, बेसी में दूंगा नहीं कम वो लेगा नहीं लेकिन कोई ऐसा लाइब्रिटी जो पे करना है एग्जेक्टली कितना पे करना है पता नहीं है तो हम लोग नाम देते हैं प्रोविजन जैसे इनकम टैक्स इनकम टैक्स मेरे को पता है कि क्या इनकम है क्या खर्चे है। फिर भी इनकम टैक्स अपने जो कैलकुलेट करते हैं अलग ही हो जाता है तो इनकम टैक्स एग्जैक्टली कितना पे करना है अपने को पता नहीं रहता है देना है कितना देना एग्जैक्टली नहीं पता है तो अपने इनकम टैक्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जहां पर एक्चुअल लाइब्रिटी कितनी होगी नहीं मालूम है अपने वहां यह वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन वो प्रोविजन नहीं आएगा मान लो मेरे को किसी को डॉलर मैंने इंपोर्ट किया है तो वन लाख डॉलर का इंपोर्ट है बिल तो जब बैलेंस शीट बना रहे हैं उस समय डॉलर की वैल्यू क्या है मान लो सिक्सटी टू रुपीज इंटू सिक्स टू लाख रुपीज हम लोग लाइबिलिटी बोलेंगे लेकिन जब मैं एक्चुअली पे करने जाऊंगा तो उस समय करेंसी तो तो में तो आपको ही करना है ना। आपकी होम करेंसी में वो अलग दैट इज प्रोविजन आपको होम करेंसी के अंदर ही अलग पे करना है, पहले से पता है एग्जैक्टली exactly कितना पे करना है वो नहीं मालूम है वर्ड प्रोविजन तो ऐसा नॉर्मली कब होता है मान लो कोई कोर्ट केस चल रहे मान लो जैसे आईटीसी कंपनी है आईटीसी कंपनी तो बैंकों में डील करती है तो बैंकों में गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रहती है हर साल तो एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ने से गवर्नमेंट उनसे और डिमांड कर रही है उनको लग रहा है कि हम लोग को इतना देना नहीं पड़ेगा कमती देना पड़ेगा तो जितना भी देना पड़ेगा वो तो एग्जैक्टली exactly, अब किसी को नहीं मालूम है तो आपने उसको नाम दे दिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्रोविजन मतलब ऐसी लाइबिटी जो आपको पे करना है लेकिन कितना पे करना है एग्जैक्ट आपको नहीं पता है तो हम लोग वर्ड वर्ड यूज कर देते हैं प्रोविजन जिससे कोई भी जो स्टेटमेंट पड़ेगा उसको समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये एस्टिमेट किया गया इतना पैसा जाएगा समझ रहे बात फिर डेफर टैक्स डेफर टैक्स के बारे में अभी कुछ बोल रहा नहीं हूं बाद में बात करेंगे समझाने में समझ में नहीं आएगा अभी खाली बस डेफर टैक्स आप लिख के छोड़ दीजिए फिर है करेंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज करंट एलाइविटीज माने जो विद इन वन ईयर पे करना है मतलब ट्रेड पेएबल्स मतलब बिजनेस के अंदर जिनको भी हम लोग को विद इन वन ईयर पे करना है बैंक बोरोइंग्स बैंक बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म लोन वगैरह लेके रखे हैं तो हम लोग को बैंक्स को पे करना है और अदर शॉर्ट टर्म पेएबल्स अदर शॉर्ट टर्म पेएबल्स कोई और भी तरह का पेमेंट जो हम लोग को विद इन वन ईयर करना है अदर शॉर्ट टर्म पेएबल्स तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज क्या है कि जब भी कहीं पर भी बात करेंगे ना तो हर टॉपिक में ये बोलते रहना पड़ेगा मेरे को बैलेंस शीट में ऐसे दिखाते हैं इनकम स्टेटमेंट ऐसे दिखाते हैं तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगा मेरे को तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग का ये पहला क्लास में बात किया हुआ रहेगा तो अपने को कोरिलेट कर पाएंगे कहाँ दिखाते हैं कहाँ नहीं दिखाते हैं इसलिए ऐसे तो अपने तीन तरह का स्टेटमेंट बनाते हैं एक इनकम स्टेटमेंट एक बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब होता है वो अभी नहीं लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मतलब होता है ये सारे फिगर इक्विटी है हम लोग बोल रहे हैं कि ये सारे फिगर का साल के बिगिनिंग में जो ओपनिंग बैलेंस था और ये जो अभी बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या चेंजेस हुआ ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर इश्यू किया ड्यूरिंग द ईयर शेयर बाई बैक किया ड्यूरिंग द ईयर और रिवेल्यूएसन किया ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड दिया जो भी इनमें चेंजेस हुआ वो आपको एक अलग से स्टेटमेंट बना के दिखानी पड़ती है कि ये चारों के ये ओपनिंग बैलेंस थे ड्यूरिंग ईयर ये, ये सब इनमें चेंजेस हुआ रूट यहीं से होता है प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो यहीं से तो हो रहा है ना तो इसको देखते ही एक प्रोफेशनल को समझ में आ जाता है कितना विंडो ड्रेसिंग किया हुआ तो पहले ये सब दिखाने का प्रोविजन नहीं था लेकिन जब से आई एफ आर एस ठीक से बना है और यह समझ लीजिए शेड्यूल सिक्स जो रिवाइज बनाए उस दोनों में ये है कि आपको इसके अंदर जो जो चेंजेस है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा तो अपने को अच्छे से पता चल जाता है कहां पर विंडो ड्रेसिंग वगैरह की गई है तो आपने उसके बेसिस पे एनालिसिस कर पाते हैं प्रॉपर एडवाइस दे पाते हैं ऐसे पहले क्या होता था पता नहीं चलता था बैलेंस शीट देखकर एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है घटा है अपने को पता नहीं चल रहा क्या चेक कारण से बढ़ा किस लिए बढ़ा यहां से देखने से पता चल जाता है कि किस लिए बढ़ा किस लिए इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो अपने और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं कंपनी के बारे में तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेटमेंट जरूर बनाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यानी कि इक्विटी का हर एक कंपोनेंट को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रिकनसाइल करना कि क्यों वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में कम बेसी कहां हुआ जिससे सारी की सारी विंडो ड्रेसिंग अपने को पता चल जाए नीचे लिखा देता हूं खाली नोट देकर देयर इज वन मोर स्टेटमेंट There is, each there is one more statement prepared by each organization there is one more statement prepared by each organization there is one more statement prepared by each organization there is one more statement prepared by each organization there is one more statement prepared by each organization named as named as a statement of changes in equity named as a statement of changes in equity named as a statement of changes in equity in this statement in this statement in this statement all the components of equity in this statement all the components of equity all the components of equity are to be reconciled all the components of equity are to be reconciled with their opening balance all the components of equity are to be reconciled with their opening balance with their opening balance till closing balance with their opening balance till closing balance these will be helpful this statement will be helpful this statement will be helpful this statement will be helpful in analyzing in analyzing the window dressing in analyzing the window dressing in analyzing the window dressing of financial statements इजिंग द विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एनालाइजिंग दंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अपने सम्स वगैरह करेंगे तो इनका जो बुक है वो अपने को पढ़ना पड़ेगा तो मैंने बताया था कि अगर हम लोग इनका बुक नेट पर मिलता है नेट पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बुक मिलती है यही बुक है लेकिन ये बुक का वो लोग चार्जेस बहुत हैवी करते हैं और अगर नेट पे मिल भी गई अपने को बुक मान लो यही चार्जेस लिया फिर भी उसका प्रिंट आउट का झमेला रह ही जाता है वैसे तो है ही नहीं चार्जेस चार्जेस अलग है तो अपने नेट के बुक से पढ़ नहीं सकते अपने को हाथ में बुक चाहिए पढ़ने टाइम पे तो अपने को बुक नॉर्मली क्या होता है कि ये बुक्स इंडिया में पब्लिश होती थी बुक्स का प्राइस रहता था एट इस बार बोला गया था बुक का प्राइस इलेवन होगा थ्री हंड्रेड बढ़ जाएगा और सबको बुक्स मिल जाएगी लेकिन इलेवन हंड्रेड में भी पब्लिशर बुक पब्लिश नहीं कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद द पब्लिशर कि पब्लिशर इज आस्किंग फॉर अ लोअर रॉयल्टी जो बुक्स लिखा है वो ज़्यादा रॉयल्टी मांग रहे हैं तो कुछ झमेला चल रहा है तो बुक्स कहीं इंडिया में है नहीं और सीमे की बुक्स और भी ये है कैपलन अलग अलग पब्लिशर है लेकिन ये कैपलन की बुक सबसे बेस्ट लिखी हुई है तो अगर सीमा की बुक्स मान लीजिए कोई और राइटर की है वो ठीक नहीं लिखी हुई है तो हम लोग को उसको प्रेफर नहीं करना है कैपलिन की बुक इंडिया में पब्लिश नहीं हो रही है तो कैपलन की बुक यूके में पब्लिश होती है या इंडिया के बाहर जहां जहां राइट वहां पब्लिश हो रही है उसका ओरिजिनल बुक का दाम थर्टी पाउंड है थर्टी टू पाउंड्रोक्सीमेटली थ्री तो 3,200 रुपीस का एक बुक लेना मेरे को एडवाइस नहीं लगते क्योंकि अगर अपने जीरोक्स कराते हैं इट्स वेरी लेस कॉस्टली और जहाँ तक पढ़ने की बात है जिर से भी तो पढ़ ही पाएंगे तो वी कैन अरेंज आईदर थर्टी टू पाउंड का बुक विच आई एम नॉट एडवाइजिंग और वी कैन अरेंज अ जीरोक्स कॉपी ऑफ दिस तो मैं क्या करता हूँ जैसे अपने तो सभी लेवल के स्टूडेंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक्स सभी है और बुक्स सबको पढ़ने के लिए चाहिए तो मेरे पास जो एक सेट रहता है मैं उसकी जिरक्स करवा देता हूँ स्टूडेंट को जिर करवा के हम लोग जिरक्स से पढ़ते हैं बिकॉज मेरे को अगर इलेवन हंड्रेड मिलता इंस्टीट्यूट देता तो स्टूडेंट लोग को बोला गया था कि इलेवन हंड्रेड बुक दे दी जाएगी लेकिन इलेवन हंड्रेड में बुक्स अवेलेबल नहीं है अभी इंडिया में इंडियन पब्लिश इंडियन प्रिंट वर्जन नहीं है उसका इलेवन हंड्रेड वो नहीं मिल रही है वो जब उनका झगड़ा खत्म होगा तब मार्केट में आएंगे तो आ जाएगी तो अपने इलेवन हंड्रेड वाला ले लेंगे इन प्लेस ऑफ जीरोक्स इट इज बेटर टू पे सम एक्स्ट्रा और नॉर्मल बुक मिले लेकिन नॉट थर्टी टू हंड्रेड विच इज नॉट लॉजिकल तो इसलिए आप लोग अगर बोलेंगे तो ये जिरक्स आप लोग के लिए करवा दिया जाएगा या आप लोग बोलेंगे आप लोग ले लीजिए आप लोग खुद जिरक्स करवा लीजिए वो भी चलेगा बट वी विल बी चार्जिंग ओनली जिरक्स अब क्या है एक एक बुक के अंदर राउंड अबाउट एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड पेजेस है तो आज क्या होता है जिरक्स वाला फिर ये ऐसे ही पूरा मंड के देता है आप देखेंगे मेरे पास बुक रखी हुई है दूसरे लेवल्स की तो वो एकदम ऐसे ही देता है तो उसको भी टाइम दो तीन दिन लगता है आज बुक देंगे तो कल नहीं देगा वो पूरा जिरक्स करके दो तीन दिन लगाता है तो क्या हम लोग ये बुक्स जिरक्स करने बोल दें उसको Because नहीं तो हम लोग सम्स नहीं कर पा रहे हैं ना सम्स को भी लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को क्लासेस में खत्म करना है तो एक बार आज तो कोई सम नहीं किया इसीलिए मैं लिखाया जा रहा था कि अपने सम्स के अंदर घुसेंगे बाद में जब बुक्स होगी तो मैं चेष्टा करूंगा एटलीस्ट नेक्स्ट डे अपने पास बुक्स रेडी हो जाए दो दिन का गैप मैं अभी दे रहा हूँ तो अपने रेडी रहेगी तो नेक्स्ट दिन अपने बुक्स से करेंगे ठीक है अभी इतना रहने देते हैं आप एक बार पूरा पढ़ के आइएगा अच्छे से ए टू जेड ठीक है नो होमवर्क जस्ट रीडिंग ऑफ एंटायर थिंग ठीक है